हेलो एंड वेलकम टू एम्बाई विची विशिष्टी एंड रेलवे एग्जाम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शिफाली राठौर और हम एसएससी सीएचएसएल को फाइनल टारगेट कर रहे हैं अपने कुछ इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट से। तो चलिए आज फिर एक मॉक टेस्ट लगाते हैं साइंस के क्वेश्चंस के लिए, जो कि आपके एसएससी सीएचएसएल को बहुत अच्छी तरीके से टारगेट करेगा। So, आपका बिना कोई टाइम वेस्ट करे सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ताकि आपका कोई टाइम वेस्ट ना हो। चलिए जल्दी से अटेम्प्ट करिए क्वेश्चन। आपका क्वेश्चन पहला कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इनमें से बेसिकली आपका कौन सा या क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण नहीं होता है। आपके ऑप्शन है सन बिकमिंग विजिबल 2 or 3 minutes बिफोर एक्चुअल सनराइज, सन अपीयरिंग रेड एट सनसेट, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एट नाइट, और सन अपीयरिंग हायर इन द स्काई देन इट्स एक्चुअल इज। करिएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉज्ड बाय एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट से आपके बेसिकली जो सूर्य अस्त है या जो सूर्यास्त होता है उसमें एज सच सन रेड कलर का दिखे ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देंगे एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है From which part of the opium plant do we get morphine? तो morphine जो है ये basically पौधे के किस भाग से निकाली जाती है। Normally morphine जो है वो as a narcotic drug, ठीक है, narcotic drug के रूप में हम morphine को use करते हैं या इसका प्रयोग किया जाता है। Even काफी सारे मेडिसिनल चीजों में भी नार्कोटिक का या मॉर्फिन का यूज करते हैं, ठीक है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत है, इसके अदर यूजेस भी इवन बहुत ज्यादा है। वेल, आपका क्वेश्चन ये है कि मॉर्फिन को हम प्लांट से किस रूप में यूज करते हैं। ओके, सो करेक्ट आंसर देते हैं एंड द राइट आंसर इज फूट कोट। कभी कभी फूट कोट आ जाता है, कभी कभी ये फ्रूट एंडोस्पर्म आ जाता है। तो ये जो पूरा पार्ट है ना, ये एक्चुअली पूरा पार्ट आपके एज अ ओपियम में यूज किया जाता है, ठीक है, नार्कोटिक ड्रग का ये पार्ट होता है। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोलॉजिकल मेथड ऑफ सॉइल कंजर्वेशन। इनमें से मृदा संरक्षण की जैविक विधि बताइएगा। आपके ऑप्शन है कॉन्ट्रोलिंग फार्मिंग, कॉन्टोर ट्रेसिंग, गली कंट्रोल या फिर बेसिन लिस्टिंग। करिएगा आंसर। सॉइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण। मृदा संरक्षण बहुत जरूरी होती है, वो बेसिकली आपके एनहेंस करती है हमेशा क्रॉप्स को। सो करेक्ट आंसर अगर दें तो करेक्ट आंसर जो होगा आपका वो है कॉन्टोर फार्मिंग विल बी योर राइट आंसर। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है ग्लूकोज इज अ टाइप ऑफ। ग्लूकोज इनमें से किसका एक प्रकार है। आपके ऑप्शन है पेंटोज शुगर, हेक्सोज शुगर, ट्रेसोज शुगर या फिर डायोज शुगर। ग्लूकोज पूछ रहा है वो। करिएगा आंसर। अगर आपको ग्लूकोज का फॉर्मूला पता हो तो भी बड़े अच्छे से आंसर कर लोगे आप, C6H12O6, ठीक है। तो बेसिकली ग्लूकोज जो है ना वो आपके एक हेक्सोज शुगर होती है, या कहिए 6 कार्बन की एक शर्करा बेसिकली आपके ग्लूकोज होती है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर में करेक्ट आंसर अगर मैं दूं तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन अ बैक्टीरियल सेल इज। एक बैक्टीरियल सेल में कितने माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या आपको मिलती है। करेक्ट आंसर करिएगा।
नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? ठीक है, देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर मैं बोलूं तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने करी थी? माइटोकॉन्ड्रिया को डिस्कवर किया था अल्टमैन ने। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को नाम किसने दिया था? तो माइटोकॉन्ड्रिया को नाम दिया था सी बेंडा ने। ठीक है, और बैक्टीरियल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की जो संख्या है वो होती है कितनी? जीरो। तो जीरो माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या आपको बेसिकली एक जीवाणु में कोशिका में या एक बैक्टीरियल सेल में आपको मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है रेनबो इज फॉर्म ड्यू टू। रेनबो जो है वो बेसिकली इनमें से किसके कारण बनता है? आपके ऑप्शन है रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन, स्कैटरिंग एंड रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड रिफ्रैक्शन और रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। करिएगा आंसर। धनुष, इंद्रधनुष नॉर्मली जब भी आपके बारिश होती है और हल्की सी अगर धूप आती है तब ज्यादातर आपको इंद्रधनुष जैसे जो है वो दिखाई देता है। लेकिन ये तो हो गया एक नॉर्मल लैंग्वेज पे बातचीत की बारिश हो रही है धूप निकलेगी इंद्रधनुष निकलेगा। अगर प्रॉपर फिजिक्स की लैंग्वेज पे बात की जाए तो दरअसल रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन के कारण रेनबो बनता है या कहिए इंद्रधनुष बनता है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गोल्डन व्यू ऑफ सी शेल इज ड्यू टू। जो गोल्डन व्यू दिखता है आपको ये सी शेल का, ये जो आपको डायग्राम यहां पे दिख रहा है इसका, तो ये दरअसल आपको किसके वजह से दिखता है? इसका मेन रीजन, इसका मेन कारण बेसिकली क्या है? डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, पोलराइजेशन या फिर रिफ्लेक्शन। करिएगा आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर देते हैं एंड द राइट आंसर दिस पोलराइजेशन ऑफ लाइट के वजह से दरअसल जो समुद्री सीप होते हैं या जो सी शेल होते हैं उनका कलर आपके गोल्डन दिखाई देता है। सो करेक्ट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एन ऑब्जेक्ट कवर अ डिस्टेंस व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज। जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एक डिस्टेंस कवर करता है जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? टाइम के स्क्वायर के। ठीक है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा, इसका जो वेग होगा, त्वरण होगा सॉरी, वो बेसिकली आपका कितना होगा? देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है तो उसका जो एक्सीलरेशन है वो कांस्टेंट ही रहेगा, उसकी स्थिति पे एज सच कोई चेंज नहीं आएगा। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, इफ द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ अ प्रोजेक्टाइल इज 4 टाइम इट्स मैक्सिमम हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज। यदि किसी प्रक्षेप की क्षैतिज परास उसकी अधिकतम ऊंचाई से 4 गुनी है तो जो प्रक्षेपण कोण बनेगा वो बेसिकली कैसा बनेगा या कितने उसका बनेगा? ठीक है, ओके, करेक्ट आंसर करते हैं एंड द राइट आंसर इज 45 डिग्री का बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल has the least melting point, इनमें से सबसे least, सबसे कम melting point जो है वो basically आपके किसका है? Gold का, silver का, mercury का या फिर copper का? करिएगा answer। I guess आपको ये बहुत अच्छे से पता होगा, मैं इसको कई बार discuss भी कर चुकी हूं पहले। ठीक है, सो मरकरी, आपको जैसा कि पता है कि भाई मरकरी रूम टेम्परेचर पर भी लिक्विड है, तो अगर रूम टेम्परेचर, अब जैसे गोल्ड रखा है आपके हाथ में तो गोल्ड थोड़ी ना रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगा, लेकिन मरकरी जो है वो रूम टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाएगी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द गैस प्रपोज्ड इन मार्शी प्लेसेस ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेशन इज। जो गैस है वो आपके प्रोड्यूस्ड होती है मार्सी प्लेसेस पे। ठीक है, किसके वजह से? वेजिटेशन प्रोपगेशन के वजह से। तो बताइएगा ये बेसिकली कौन सी मेन गैस है? करिएगा आंसर। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन।
ओके करेक्ट आंसर करते हैं, इट्स अ मीथेन इज द राइट आंसर, इट्स अ CH4। सो बेसिकली मीथेन के डीकंपोजिशन के वजह से आपके मार्शी प्लेसेस पर एक गैस बनती है जो कि मीथेन के कारण होती है। इवन मीथेन को हम मार्शी गैस भी कहते हैं। कई बार क्वेश्चन एक बार आपने मैंने भी कराया था कि बताइए चावल की खेती से कौन सी गैस निकलती है, तो वो भी आपके मीथेन गैस ही होगी क्योंकि उसको भी हम क्या कहते हैं, पैडी गैस के नाम से हम उसको जानते हैं। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है देखिएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन कैक्टस द स्पाइंस आर द मॉडिफाइड, जो कैक्टस या कैक्टस होते हैं ये आपके जो बने हुए हैं है ना, इसमें बेसिकली ये जो कांटे हैं ये एक्चुअल किसके रूपांतरण होते हैं या किसके मॉडिफिकेशन कैक्टस में ये कांटे होते हैं। करेक्ट आंसर करिएगा, ठीक है करेक्ट आंसर करते हैं एंड द राइट आंसर इज लीव्स। तो दरअसल पानी की कमी को पूरा करने के लिए या कहिए लैक ऑफ वाटर, ठीक है लैक ऑफ वाटर के वजह से जो कैक्टस होते हैं वो दरअसल लीव्स जो होंगी ना वो दरअसल कांटे में बदल जाती है ताकि वाटर स्टोरेज हो पाए। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है द स्मॉलेस्ट नोन प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म इज, सबसे छोटा ज्ञात प्रोकैरियोटिक जीव जो है वो कौन सा है, माइक्रोसिस्टिक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया या फिर कॉलेरा, माइक्रोसिस्टिक माइकोप्लाज्मा बैक्टीरिया या फिर कॉलेरा करिएगा आंसर। नॉर्मली आपके प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं, प्रोकैरियोटिक जिनमें जो न्यूक्लियस है यानी कि जो केंद्रक होता है वो केंद्रक जब आपके कंप्लीट ना हो या अनडेवलप्ड हो है ना उसको आप कहते हो क्या प्रोकैरियोटिक, ठीक है। सो प्रोकैरियोटिक बेसिकली आपके स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक में अगर मैं बात करती हूं तो स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक शायद आपने सुना होगा सबसे स्मॉलेस्ट सेल भी, तो माइकोप्लाज्मा गैल्सिपिटिकम सबसे स्मॉलेस्ट सेल में आती है और यही सबसे स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोटिक भी होता है, ठीक है। सो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट व्हाट कैन बी थॉट ऑफ एज द जेनेटिक लाइब्रेरी दैट कीप्स लाइफ गोइंग ऑन अर्थ, करिएगा आंसर। आपके पाठ के हिसाब से जीवन पर पृथ्वी बनाए रखने के लिए अनुवांशिक लाइब्रेरी इनमें से क्या हो सकती है, बायो इंजीनियर्ड लैब, ह्यूमन जीन, द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट या बायोडायवर्सिटी। करेक्ट आंसर देती हूं एंड द राइट आंसर इज बायोडायवर्सिटी ही आपका बेसिकली एक जेनेटिक लाइब्रेरी हो सकता है। सो करेक्ट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर डिक्रीज एट हायर एल्टीट्यूड ड्यू टू, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे वैसे बॉइलिंग पॉइंट जो है ना वो डिक्रीज हो जाता है, वो बेसिकली नीचे गिरने लगता है, ऐसा क्यों होता है, लो टेम्परेचर के कारण, लो एटमोस्फियरिक प्रेशर के कारण या फिर हाई टेम्परेचर के कारण या फिर हाई एटमोस्फियरिक प्रेशर के कारण। ओके सो जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड जैसे जैसे आप ऊंचाई पे बढ़ते हो जो बोलते हैं ना कि वायु का दबाव कम होने लगता है, तो वही लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के कारण आपके हाइट पे प्रेशर काफी कम होता है वायु का या एटमॉस्फेयर का, उसके वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वाटर का वो गिरने लगता है। सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द केमिकल नेम हाइपो commonly used in photography is, करिएगा आंसर। अगर आपको उसने फोटोग्राफी बोल दिया तो आपका आधा आंसर वैसे भी निकल के आ गया। करेक्ट आंसर देते हैं सिल्वर आयोडाइड इज अ राइट आंसर आपका इसमें होगा। तो सिल्वर आयोडाइड का जो फॉर्म होता है वो बेसिकली आपके इसमें यूज किया जाता है। सो करेक्ट आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे सोल्डरिंग ऑफ टू मेटल इज
पॉसिबल बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ सोल्डरिंग होता है, दो धातुओं को जोड़ना जो है ना वो बेसिकली आपका सोल्डरिंग कहलाता है। अगर मैं बहुत हिंदी यूज करूं इसकी तो टांका लगाना बोला जाता है, जब भी मेटल्स को जोड़ा जाता है तो टांके से जोड़ते हैं। तो बताइए ये दरअसल किस प्रॉपर्टी की वजह से ऐसा हो पाता है? करेक्ट आंसर देते हैं, एंड द राइट आंसर इज कोहेजन, इज अ राइट आंसर। सो कोहेजन आपके बेसिकली एक ऐसा बल है या कहीं एक ऐसा फोर्स है जो कि सेम मॉलिक्यूल्स पर जब लगता है तो उसको कोहेजन कहते हैं। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है स्टैलेक्टाइट्स एंड स्टैग्लेमाइट्स फॉर्म ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ, करिएगा आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर करते हैं एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज CaCO3 इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बेसिकली कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें से कौन सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक फॉर्म है या कहिए एक रूप है? फिजन, फ्रेगमेंटेशन, बडिंग या फिर आपका हर्मेफ्रोडिटिज्म। ठीक है, करेक्ट आंसर करते हैं एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। तो हर्मेफ्रोडिटिज्म जो है ये बेसिकली आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट होता है। करेक्ट आंसर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन विच रीजन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम डज द लेमैन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम लाई, इन विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, करिएगा आंसर। ठीक है, करेक्ट आंसर करते हैं एंड द राइट आंसर इज यूवी इज द राइट आंसर, या कहिए आपका अल्ट्रावायलेट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ डायरेक्ट इलेक्ट्रिक करेंट एट कॉन्स्टेंट वोल्टेज अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन इज कॉल्ड अ, आंसर इलेक्ट्रोकेमिकल। देखिए एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बोल रहा है, ठीक है, जिसको अपन कैसे यूज कर रहे हैं, जिसको अपन यूज कर रहे हैं सोर्स ऑफ डायरेक्ट बेसिकली आपके डायरेक्ट इलेक्ट्रिकल उस पर, ठीक है, करंट पर। सो ये प्रोसेस जो है ये आपके दरअसल सिर्फ बैटरी के अंदर ही हो सकता है। सो करेक्ट आंसर आपका बैटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है अ लाइट वेव इज एन इंसिडेंट ओवर अ प्लेन सरफेस With velocity x, after reflection, the velocity became. Reflection के बाद जो velocity है वो basically कितनी हो जाएगी? देखिए, जब normal plane surface पर velocity x है, तो reflection के बाद जो velocity है वो आपके 2x हो जाएगी, ठीक है? So correct answer आपका option number B. Next question आपकी screen पर, ठीक है? Next question आपका कह रहा है The area reserved for the welfare of wildlife is called, वन्य जीवों के कल्याण के लिए एक प्रॉपर जो आरक्षित क्षेत्र होता है, एक प्रॉपर जो पूरा रिजर्व्ड एरिया होता है ना, उस रिजर्व्ड एरिया को बेसिकली क्या कहा जाता है? करिएगा आंसर। ठीक है, तो जब भी रिजर्व्ड की अगर बात होती है तो वो रिजर्व्ड एरिया हमेशा आपका नेशनल पार्क्स कहलाता है। ठीक है, सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द गैस डिसॉल्व्ड इन वाटर दैट मेक्स इट बेसिक इज, वो गैस जो आपके बेसिकली डिसॉल्व होती है वाटर में और बेसिक यानी कि क्षार बनाती है वो आपका बेसिकली क्या कहलाता है? अमोनिया, हाइड्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। पहली प्रॉपर्टी डिसॉल्व इन वाटर ही जो प्रॉपर्टी दी गई है वही सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है उसकी।
करेक्ट आंसर करते हैं एंड द राइट आंसर इज अमोनिया इज द करेक्ट आंसर. सो बेसिकली अमोनिया आपकी एक ऐसी गैस है जो कि पानी में घुलती भी है और छार भी बनाती है. करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है द येलो कॉम्प्लेक्शन मीडियम स्ट्रेचर एंड ऑब्लिक आई विथ एन एपिकैंथिक फोल्ड इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. पीला रंग, मध्यम कद, तिरछी आंख, ठीक है, के साथ एपिकैंथिक फोल्ड, ये बेसिकली इनमें से किस एक स्पीशीज की मुख्य वो है, विशेषता है एक तरह से. अगर ऑप्लिक्यू आई आपको पता है तो आराम से आंसर कर दोगे. करेक्ट आंसर देते हैं एंड द राइट आंसर इज मैंगोलाइट्स इज द राइट आंसर. ये मंगोलियों की बेसिकली विशेषता होती है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है क्रोमोसोम डेजिग्नेशन ऑफ डैश सॉरी ऑफ टर्नर सिंड्रोम इज. टर्नर सिंड्रोम का जो गुणसूत्र का बेसिकली डिजिट फॉर्मूला है ये बेसिकली क्या कहलाता है या ये क्या होगा. तो दरअसल इसमें आपके जो 44 ये हैं ऑटोसोम्स है या ऑटो क्रोमोसोम है ये सही होते हैं, बाकी XO जो है वो इसमें एक अलग क्रोमोसोम एड ऑन होता है. सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर विजिबल एज अ लिटिल आउट ऑफ फोकस इन दिस कंडीशन. निम्नलिखित में से किस स्थिति में दूर की वस्तुएं फोकस से थोड़ी बाहर दिखती हैं. दूर की वस्तु है यानी कि दूर का नहीं दिख रहा है और दूर का आप किस में नहीं देख पाते हो, निकट दृष्टि दोष में या मायोपिया में. सो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि मैक्सिमम ऑक्सीजन इज अवेलेबल फ्रॉम, जो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होती है बेसिकली आपके कहां से अवेलेबल होती है, ग्रीन फॉरेस्ट से, डेजर्ट से, ग्रासलैंड से या फिर आपके फाइटोप्लैंक्टन से. ओके, करेक्ट आंसर करते हैं एंड द राइट आंसर इज फाइटोप्लैंक्टन इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर. नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है इन अ रिएक्शन ऑफ द टाइप ए प्लस बी सी प्लस डी वन कुड एंश्योर इट टू बी अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय. किस प्रकार का रिएक्शन है. ओके, करेक्ट आंसर देते हैं एंड द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट इज अ राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है. कह रहा है द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉल ऑफ स्टील इज इट्स. जो अमाउंट है आपके बेसिकली मैटर का, पदार्थ का किसी एक बॉल स्टील बॉल में, तो उसका बेसिकली है क्या, उसका द्रव्यमान है, उसकी डेंसिटी है, उसका वॉल्यूम है, उसका वेट है. ओके, करेक्ट आंसर करते हैं एंड द राइट आंसर इज उसका मास है यानी कि उसका एक द्रव्यमान है. ओके, सो हियर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चंस फाइनली. सो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू सो मच. ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए. अगर आप अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं सो प्लीज टेलीग्राम से जरूर जुड़े. टेलीग्राम का नाम, टेलीग्राम का QR कोड, टेलीग्राम का लिंक, आपको सारी ये चीजें स्क्रीन पर दिख जाएंगी. तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. टिल देन थैंक यू सो मच. ख्याल रखिए, प्रिपरेशन करते रहिए. कीप एम्बाइबिंग, वी बिलीव इन यू.